नमस्कार, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं किसान एक्शन। आज हम बातचीत करेंगे पॉली हाउस के बारे में, जो हमारा ग्रीन हाउस होता है वो किस प्रकार से बनाते हैं, इस बारे में आपको आज इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। मैंने इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियो सर्च किए, लेकिन मुझे सारे जो वीडियो थे वो जुगाड़ी पॉली हाउस के बारे में थे। तो इंटरनेट पर देख करके मैंने एक जुगाड़ी पॉली हाउस तैयार किया था, लेकिन वो तेज़ आंधी में उड़ चुका है। उसके बाद मैंने सोचा कि एक स्ट्रॉन्ग पॉली हाउस बनाया जाए। जो अभी हमने एक स्ट्रॉन्ग पॉली हाउस बनाया है वो आज इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा, और आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, और मुझे नहीं लगता ये वीडियो देखने के बाद में आपको पॉली हाउस बनाने में कोई कमी रह जाएगी। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं एल साइज पत्ती, ये जिग जैग वायर जो प्रोफाइल पत्ती में लगाया जाता है, ये वो प्रोफाइल पत्ती होती है। 2.5 इंची पाइप, 16 इंच पाइप और मेन गेट की भी आवश्यकता आपको होगी। ये मसाला बना रहे हैं बेस को भरने के लिए। चलिए बेस को भरना शुरू करते हैं। ये जो आप लेवल मशीन देख रहे हैं, ये फाउंडेशन को 90 डिग्री पर सीधा खड़ा करने में सहायक होती है। ये बेस तैयार हो चुका है। अभी हम इसको 3 दिन सूखने के लिए छोड़ देंगे। आप देख पा रहे हैं 16 इंच पाइप में प्रोफाइल लगाई जा रही है। दोस्तों, सभी पाइपों में प्रोफाइल लग चुकी है। अभी आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेन पाइप के ऊपर 16 इंची पाइप हॉरिजॉन्टल लगाया जा रहा है। ये देखिए फाउंडेशन के ऊपर फ्रेम को खड़ा किया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, ये 2.5 इंची पाइप के ऊपर 16 इंची पाइप एल साइज पत्ती के साथ लगाया जा रहा है। ये फाउंडेशन पाइप और मेन फ्रेम के पाइप के साथ सुराख निकाल करके नट के सहारे कस दिया जाएगा। जो
जो एक्स्ट्रा बोल्ट है उसको काट दिया जाता है। मेन गेट पर भी प्रोफाइल लगाई जा रही है ताकि इस पर भी नेट लग सके। ये देखिए अभी मेन गेट को सेट किया जा रहा है। ये अभी 2.5 इंची पाइप में भी प्रोफाइल लगा दी जाएगी ताकि इसमें नेट को कस सके। ये देखिए अपना पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अभी नेट को लगा रहे हैं। ये अभी जिग-जैग वायर की मदद से नेट को कस रहे हैं। और दोस्तों आखिर में आकर इसे नीचे ज़मीन में दबा दिया जाता है ताकि ये टाइट रहे और तेज़ आंधी में भी ना उड़ सके। दोस्तों हमारा पॉली हाउस बनकर के तैयार हो चुका है। अभी हम आपको पॉली हाउस के अंदर लेकर के चलेंगे। ये देखिए ये इसका मेन गेट है। और जो इसकी जो लंबाई है इस कोने से लेकर के उस कोने तक ये 27 फीट है और जो इसकी चौड़ाई रहेगी वो भी 27 फीट रहेगी। तो ये आप देख रहे हैं ये जो पहले बताई गई थी एल साइज पत्ती, ये देखिए आप ये इस प्रकार से लगाई जाती हैं ताकि जो 1.5 इंची पाइप होता है या 1.25 इंची जैसे हमने लगाया हुआ है ये हम ऊपर इस प्रकार से सेट करते हैं। ये भी सेम इसी प्रकार से लगाए गए थे। और दोस्तों ये सभी GI पाइप हैं।
आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपके बहुत अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं। और अगर किसी भाई को इस प्रकार का ग्रीन हाउस लगवाना है तो जो पार्टी ने मेरा ग्रीन हाउस तैयार किया था उसका मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो उस नंबर पर बातचीत करके अपना ग्रीन हाउस लगवा सकते हैं। और आज का जो वीडियो था वो चंदन की खेती से हट करके था। जो चंदन की खेती से संबंधित वीडियो भी मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं, तो वो वीडियो भी आप चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।